ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਤੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚ ਮੇਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ बड़ी देर तो प्लैन सी मन जी नाल इच्छा सी अजकल सोशल मीडिया का जमाना ते तुहाडे दर्शक स्रोते है जिहड़े तुहानू तुहाडे नाल उहनां दा सीधा कॉन्टैक्ट है ते सब चाहुंदे सी कि हरभजन मान मनमोहन सिंह फिर तो फिल्म करन। फिर जब फाइनली साडा फैसला होया ते तुहानू पता फिर मन जी वो डायरैक्टर दे विचों दा हन नहीं कि साल दियां पंज पंज फिल्मां करनियां। मन जी बहुत ठरमे नाल ते पूरी तसली नाल पहला है क्योंकि मन जी और मैं भी ये मानता कि स्क्रिप्ट किंग है जी। जो तुहाडे चीज़ हाथ च आ गई तो फिर तो शूट ही करनी होंदी है फिल्म। एक दूसरा मन जी ने एक लंबे अरसे बाद फिर हरभजन नूं लेके आना परदे ते हरभजन नूं की सूट करूँ। सबजेक्ट भी पाएदार हो बे थोड़ा जिहा जो मेरी भी अपनी एक लोकां विच है कि हरभजन के लिहाज नाल हो बे सबजेक्ट वो फिर फाइनल होया जी। तो फिल्म असी शूट की बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है पर विच दी थोड़ा कोविड का चक्कर हो गया जी उसने समा ले लिया कुछ तो हूँ रब सुख रखे हूँ लगातार फिल्म बनावांगे जी। नहीं फिल्म मेरा है ही इन्ना का जी वेट है देखो जी आज पहले मेरी हिंदी पे हंसना नहीं मैं आपके प्यार में बोल मैं बोल के दिखाऊंगा मैं भी बोल लूंगा थोड़ा सो पहला की होंदा सी कि पूरा पंजाब बाहर कैनेडा में है अब हरियाणा भी बराबर है वहाँ बहुत हमारे हरियाणा के भाई वहाँ बैठे हैं बच्चे बैठे हैं स्टूडेंट्स गए हैं तो बेरोजगारी है नशा है। फिल्म का एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है वो कैरेक्टर कह रहे मेरा जो किरदार है कि जिस कोल बेरोजगारी ते नशियां तो बगैर होर कोई ऑप्शन ही ना होवे ते वो बाहर आके अगर धक्के खा के भी जिंदगी दी मंजिल आदि तलाश रहा कामयाब हो रहा तो उहदे लई इतों वधिया होर की हो सकता। सो समस्या है कि बच्चों के अज बच्चों कोल पूरी दुनिया उन्हां दी मुट्ठी विच है मोबाइल ते सारी दुनिया उन्हां दे सामने है। बच्चे महसूस करते हैं कि उन्हां नूं उस तरह दी अपॉर्चुनिटीज इत्थे नहीं मिल रही चाहे पंजाब आ चाहे हरियाणा जिस तरह की उन्हां दी एजुकेशन आ जिस तरह के उन्हां दे ड्रीम्स ने जिन्हां दा नहीं सरदा कुछ अच्छे घर ने इत्थे जिहड़े चंगी रोटी खांदे वह भी भज्जे जा रहे हैं जी। असीं जद बच्चा 15-16 सालां दा हुंदा तो असी बच्चे नूं मार्केट भेजने तो भी डरते हैं तो हुण समा ऐसा आ गया कि बच्चे 15-16 साल की प्लस टू करते असी बच्चे नूं बाहर भेजी जा रहे हैं। कोई अवेयर नहीं कोई ये नहीं देखता कि उत्थे बच्चे किस तरह के माहौल दे विचों गुजर रहे हैं बच्चों लई की चैलेंजेस ने मानसिक तौर पर बच्चों लई किन्ने वड्डे उत्थे जिहड़ियां स्ट्रगल्स ने ते मैं समझदा कि वह बहुत ताणा बाणा फिल्म ने मनोरंजन करना एक पहला सब तो गल है कि गाउन जिहड़ा संगीत आ फिल्म तुहाडा मनोरंजन करने लई बनदी है पर वो मनोरंजन दे विच जिहड़ी एक आर्टिस्ट दी जिहड़ी एक सोशल ऑब्लीगेशन आ समाज नूं थोड़ी बहुती सेध देनी कोई चंगा सुनेहा देना वो मनमोहन जी दी फिल्मों का हमेशा ही हिस्सा रहा जिहड़ियां असीं फिल्मां पंजे तों पहलां कीतियां ते वह शायद क्योंकि वह घर घर दे पात्र सी घर घर दीआं कहानियां सी ते वह कोई ऐसा इंसान नहीं जिन्हें मेरा ख्याल कि वह दो दो चार चार पाँच पाँच वारी पाँ वारी भी देखी 100-100 वारी भी देखी जी। तो इस तरह ही अज के समय से मैं समझता पंजाब हिमाचल हरियाणा PR परमानेंट रेजिडेंट तो बड़ा कोई सबजैक्ट नहीं। बस मैं गल कर रहा जिक्र कर रहा पूरा असी रास्ते इतों हम जावे चंडीगढ़ दो तरह के बस एक हैगा इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स उन्होंने बोर्ड नज़र आएंगे या आईलेट्स दियां जिहड़ियां दुकानां ते सो एक बड़े हसदी खेडदी फिल्म मनोरंजन करदी फिल्म पर सब तो अज जिहड़ी दुख दी रग आ उह मन जी ने इस दे विच फड़ी आ ते उह अमृता दा किरदार जिहदे दुआले फिल्म घूमूंगी ते मैं भी अमृता नूं किते ना किते लभदा उहदा जो उहदे नाल उहदी जिंदगी च हो रिहा उहदे नाल मैं भी जुड़िया विआं। इस तरह की फिल्म है जी बहुत यादगारी जिहड़ा किरदार सरदूल भाजी का
करमजीत अनमोल जी का तो सो मैनू पक्का यकीन है जी कि फिल्म तुसी बार बार देखोगे तुहानू फिल्म बहुत पसंद है और क्या फिल्म की लुक है परसनली हर चीज़ ते फिल्म की जिहड़ी पोस्ट प्रोडक्शन हुंदी है जिथे जाके एक्चुअली फिल्म बनती है जिथे शिंगारी तुसी मीडिया नाल तुहाडी एक कहानी तुहाडी न्यूज़ इत्थे नहीं बन रही जिहड़ी जाके टेबल ते बननी है तो वो जी वेद मान जी ने आप कली कली चीज़ पर 12-12 घंटे स्टूडियो कम किया कि एक मनमोहन जी की जी पहचान मान जी आपके कैमरे की अख दे रही कविता लिखते स्क्रीन पर तो वो इन्होंने लिखी है पी आर गल प्यार दी नहीं पी आर दी है जी अजक सिर्फ पी आर दी है तो हो तुसी अगले फ्राइडे 27 तारीख को सारे देखोगे उसको इंजॉय करो। सेहत मेरी जी मैं मिठा रज के खाना जी तो भज नट सारा दिन फिरदा रहना जी पर फिर भी सेहत मेरी ठीक है तो मालिक दी तुहाडियां दुआवां तुहाडा प्यार है। पंजाबी फिल्मां तां बहुत अच्छियां बनदियां लेकिन गाने उस तरह दे ने हथियारां दे नशियां दे युवाओं नूं जिहड़े संगीत जदों दा क्योंकि मैं पंजाबी संगीत नाल बचपन तो पंजाबी संगीत दा मैं स्टूडेंट हां सो चंगा माड़ा बराबर चलता। मैं तुहानू दो उदाहरण दिना दो तीन अगर कल्ला बुरा इस तरह का ही लोग या यूथ सुन रहा हो फिर गुरदास मान साहब तो अज 40-45 साल बाद भी स्टार ना हो हरभजन मान को 30 साल हो गए गाँव नहीं मैं तो अज फिर घर बैठा वेला होव रिटायरमेंट हो जी और सब तो वड्डी उदाहरण कि अज के समय के जो यूथ चंगा ना सुन रहा हो सतिंदर सरताज का स्टार ही ना हो जी थोड़ा यह कि जो रौला रप्पा होंगे वह असं हाईलाइट ज़्यादा कर लें इतने बाहर चार बंदे खड़े गाला क्ढी जाते हूँ आप सारे भज जाएंगे जग जग देख के आइए कोई खड़ा उपदेश दिता उधर दी दो जाने नहीं जाते फड़ के ले जाने आ जाए यार काम की गल लगी। सो बुरे का बुरियाई का रौला ज़्यादा गजे ऐसी कोई गल नहीं घर अच्छी अज कोई साडा रियलिटी शो चलता गा हिंदी का चलता बॉलीवुड के सोंग्स का पंजाबी का उस गाने कहे गाए जाते सब पुराने गाने गाए जाते कोई नव सुनता कि बच्चा उठ के नव पुराना गाना गा रहा जी। सो मेरा ख्याल कि उन्होंने इग्नोर करना चाहिए हाईलाइट करना नहीं चाहिए तो चंकी चीज़ चंकी ने चंकी रहना जी चंकी सच सच आ ना उन्होंने बधाया जा सकता ना घटाया जा सकता जी उन्ना जिन्ना है उन्ना ही रहना झूठ नूं वधाई जाओ उन्ना वधी जाऊगा जिन्ना कि घटाउणा तुहाडी मर्जी है घटा लो जी। मैं जिंदगी दे जिहड़े मेरे जिहड़े सिंगिंग दी शुरुआत आ मेरी 92 दिसंबर च एल्बम हिट हुई सी जी चिट्ठीए दी चिट्ठीए ते मैथों 4 महीने पहला भगवंत मान साहब स्टार बन गए सी उन्हां दी एल्बम आई सी कुल्फी गरमा गरम उस तो बाद असी 15 साल मतलब एक परिवार वांगू रहे हैं जी सारे दुनिया के जड़े टूर शो करन गए सी कोई मुल्क नहीं छड्डे उत्थे सी दोनों कट्ठे गए तो मैं एक निजी तौर पर भगवंत नाल मेरा भरावां वाला प्यार है बहुत नेड़े मैं उन्हूं जानदा जी। सो भगवंत दा तुसीं 1992 तो लैके काम कढ लो उन्हें हमेशा ही जिहड़ियां समाजिक बुराइयां या सरकारां उहदे ते सैटायर कीता अज पंजाब ने बहुत वड्डा मान दिता कदे सोचा नहीं जा सकता जी पंजाब च इक कलाकार मुख्यमंत्री दी सब तो वड्डे अहुदे ते बैठेगा तो मैनू ये पक्का यकीन है जिन्ना क मैं मिलिया जां मेरी 2-4 दिन बाद गल हुंदी है कि भगवंत हुरी CM साहब उन्हां दी नीयत बिल्कुल सच्ची सुची है कि मैं पंजाब नूं बेहतर करना बच्चों नूं रुजगार दे इत्थे मौके पैदा करने नशा भजाउणा हालात की है क्योंकि कुर्सी है इधरों जब तुम मेरे वाल वेखते हो वक्री है जब मैं इतने बैठा तू देखता उदो भी वक्री है तो मेरा ख्याल है कि जो पंजाब के जो सरकार जो सिस्टम रहा भगवंत को 6 महीने देने जरूर बनते हैं तो उदू बाद फिर उसको देखा जाऊगा कि गल कितने खड़ी है बट वो कमिटड आ और चाहता कि पंजाब बदलाव आए है जी सारे कर रहे हैं जी। मैं पहली बार किसी CM के बारे इन्ना बोलिया होगा जी नहीं मैं तो सियासत तो भजदा ही हाँ जी।